दोस्तों सबसे पहले तो आप आवाज सुनिए, इसके बाद में दूसरी बात करते हैं अपने YouTube परिवार के साथ। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है माँ क्रिएटिव किचन गार्डन में मेरे यूट्यूब परिवार को। मेरा परिवार बहुत बड़ा परिवार है यूट्यूब परिवार, और मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए दोस्तों, जुड़िए हमसे। और मैं जो आप लोग फेंक देते होंगे फ्रेंड्स, जो बहुत लोग फेंक देते हैं, जो हमारे नए व्यूअर गार्डनर हैं वो भी वो अक्सर फेंक देते होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स मैं भी कभी किसी समय फेंक देती थी, लेकिन धीरे धीरे नॉलेज मिला तब मैं आज के समय में अपने घर का कूड़ा भी नहीं फेंकती हूँ। ये आप समझ लीजिए कि मैं कूड़ा भी फेंकती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इधर कॉर्नर है, कॉर्नर में मैंने सोचा कि आज कुछ किया जाता है, तो ये कॉर्नर थोड़ा खाली पड़ा था तो इसका लुक देने के लिए, और हमारी टेबल भी ये फालतू की है, जो दरवाजे वगैरह लगते हैं तो मिस्त्री ने क्या किया था कारपेंटर ने कि हमारे दरवाजों के चौखट ही बेकार कर दिए थे, तो वही इनका प्लाई का निकला हुआ मैंने टेबल बनवा लिया। तो ये फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये घड़ा है, ये आप घड़ा देख रहे हैं, मुझे बिल्कुल काटना भी नहीं पड़ा ना कोई होल करना पड़ा। तो ये इसमें टोंटी लग कर के आती है दोस्तों, अक्सर आजकल देख रहे होंगे कि घड़ों में टोंटियाँ लग कर के आ रही हैं, तो बड़े आसानी से ये फाउंटेन बनकर के तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हों तो सब्सक्राइब तो कर ही लें, क्योंकि मैं बहुत तरह तरह के जीरो बजट से आप लोगों के बीच में लेकर के आती रहती हूँ, क्योंकि गार्डनिंग एक इतना महंगा शौक है फ्रेंड्स कि पैसा कहाँ तक खर्चा किया जाएगा। तो ये जो पत्थर हमारे निकले हुए हैं, ये देखिए अभी तो मैं इनको लगा रही हूँ, इसमें अरिका पाम ऐसे रख दिए हैं अभी आप लोग दिखाने के लिए, अभी रिपोर्ट नहीं किए, क्योंकि इसमें माहौल भी देना ज़रूरी होता है, दो चार दिन का माहौल पौधों के लिए। ये फ्रेंड्स देखिए मोटर हमारी, जो हमारी कूलर में लगती है वही मोटर है, कोई फालतू का अलग का खर्चा नहीं है ये। और ये जो टब जाते आते हैं 50-100 रुपए के टब मिल जाते हैं, जो हम लोग कपड़े वपड़े धुलते हैं, तो फ्रेंड्स उस टब की मदद से ये देखिए उसमें मैंने होल में ये पाइप को डाल दिया। पाइप को डालने के बाद देखिए अब मैं इनमें पत्थर रख रही हूँ, जो हमारे उसमें आते हैं कंस्ट्रक्शन का जब काम चलता है तो मोरंग जो होती है उसमें पत्थर ही निकलते हैं फ्रेंड्स, तो ये कहीं पर भी मिल जाएंगे, तो इनको इसमें ऐसे लगा दीजिए, स्टोन भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको लुक भी देखिएगा अभी, ये देखिए इसमें भर दे रही हूँ, तो घड़ा भी हमारा हिले डुलेगा नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने पत्थर का आगे जो पत्थर लगाया है तो ये लगेगा जैसे पहाड़ का रूप है, हला में मैंने घड़े में पेंट कर दिया था थोड़ा नेचर से अलग हट करके, नेचर भी है प्रकृति इतने तरह तरह के दिए हुए हैं हमारे बीच में, प्रकृति आई है, प्रकृति इतनी अच्छी चीज़ें देती है लेकिन हम उसका लुत्फ़ नहीं उठा पाते हैं। तो फ्रेंड्स प्रकृति से जुड़ कर के रहिए, और तरह तरह के ऐसे गार्डनिंग के आइडियाज लेते रहिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जीरो बजट में। बस इतना ही है फ्रेंड्स कि मेरे से जुड़ना है और सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब आप लोग कर लेंगे तो फ्रेंड्स तरह तरह के ऐसे नोटिफिकेशन आते रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सेरेमिक पॉट की मछली है और ये टर्टल है, तो इसको क्या करना है कि मुझे इसमें भी रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको टर्टल को रख दिया, अब मैं लाती हूँ
ये फ्रेंड्स इसमें अब टब में पानी भरना है। ये देखिए, और फ्रेंड्स प्रकृति बहुत कुछ मुझे देती है, सभी को देती है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब क्या करना है, नीचे से प्लग को निकालते हुए बस फ्रेंड्स थोड़ा आइडिया चाहिए और थोड़ी मेहनत। बहुत अच्छे से तैयार होता है फ्रेंड्स। और ये मैंने अभी बोर्ड लगाया था तो मैंने सोचा कि बोर्ड यहाँ बाहर लगाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब थोड़ा पानी इधर उधर फैलने लगा तो मैंने सोचा पत्थर को सही कर देते हैं। ये देखिए, मुझे लाइटिंग नहीं मिली तो लाइटिंग नहीं ले पाए लाइट को जो पानी में चलती है। ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है। एक्चुअली मैं यहाँ म्यूट मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि हर रोड की आवाज़ें बहुत आती हैं, तो फ्रेंड्स इसकी किलकारियाँ तो कब सुनने को मिलेंगी, लेकिन रोड की आवाज़ बहुत सुनने मिलेगी। अब ये देखिए पत्थर को हटा करके मैंने अच्छे से लगाया कि ये लगेगा कि पत्थर झरने से पानी आ रहा है। अभी फ्रेंड्स इसमें बहुत कुछ बाकी है, लेकिन फ़िलहाल में अभी मैं यही करके दिखा रही हूँ अभी आपको, और फिर जब पूरा कंप्लीट कर लूँगी तब फिर बाद में और दिखा दूँगी कि कैसे क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत सुंदर लग कर के तैयार हो रहा है। ये सेरेमिक के मशरूम को रख दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से ये हो रहे हैं। और ये जो मैं अरीका पाम लेकर के आई हूँ तो मैंने सोचा कि चलिए उस पर रख देते हैं और साइड में भी लगा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तो थोड़ा अच्छा सा लुक हो जाएगा। और आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि कैसा मेरा ये फ्री ऑफ कॉस्ट का सेरेमिक पॉट रहा, और सर्दियों में क्या मोटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है तो ये मोटर भी यूज में आ गई हमारे। अब ये देखिए पीकॉक हैं, पीकॉक प्यासी हैं तो पानी के लिए यहाँ बैठा रही हूँ इनको, और थोड़ी सी इनकी कटाई छटाई बाकी थी तो कटाई छटाई भी अभी नहीं कर पाई फ्रेंड, लेकिन थोड़ी अभी इनको जो है साइड से जो इनकी लताएं निकली वो टहनियाँ निकली तो इनको थोड़ा रिमूव कर दे रही हूँ। ये थोड़ा डी सेफ हो जाती तो अच्छी नहीं लगती हैं। अब ये ऐसे बैठा दिया मैंने कि जैसे बड़ी प्यासी हैं, पानी पीने आई हैं यहाँ पर। शायद उतना अच्छा लुक नहीं दिख रहा होगा फ्रेंड्स, क्योंकि जब वैसे देखो तो बहुत प्यारा दिख रहा है। अगर मुझे ये इधर स्टैंड हटा के अलग करने होते तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा दिखता, लेकिन बहुत अच्छा दिख रहा है। ये लग रहा है कि बहुत प्यासी हैं ये, इतनी पानी पीने के लिए आतुर हो रही हैं। ये देखिए मैंने उधर ही को मूव कर दिया इनके चोंच को, और इनके मैंने जो ये कटिंग है वो कटिंग को निकाल लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स अब सुंदर लगी जा करके, अब सच में लग रही हैं कि प्यास रही हैं और पानी पीने के लिए बैठी हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बने। देखिए ये टर्टल भी उधर बैठा हुआ है। और फ्रेंड्स ओरिजिनल हो या आर्टिफिशियल हो, घर में टर्टल रखना बहुत अच्छा होता है। और ये देखिए झरने का बिल्कुल रूप दे दिया अंदर पत्थर रख करके। और ये अरीका पाम इस समय बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पर धूप भी बहुत अच्छी सी आती है इस कोने में। तो आप फ्रेंड्स कड़ी से कड़ी मिलाएं और जुड़ें साथ में, और बताएं कि मेरा वीडियो किस तरह से रहा। आप लोग भी अपने घरों में अपने वातावरण को शुद्ध रखें, लोगों को भी प्रेरित करें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग। बहुत प्यारा लग रहा है, इसकी किरदारियाँ सुनते ही बनती हैं।